नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ऋतु कौशल, सेरेनिटी रेकियंस। आज मुझसे कई लोगों ने पूछा कि कल बुद्ध पूर्णिमा है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा जीवन सुगम हो जाए, सुंदर हो जाए, हमारे सभी कर्मों से हमें मुक्ति मिल जाए। और भी बहुत सारी सबकी परेशानियां हैं, किसी को घर चाहिए उसके लिए कोई उपाय, कोई किसी की शादी नहीं हो रही है उसके लिए कोई उपाय, ऐसे बहुत सारे मेरे पास प्रश्न आए हुए हैं। तो उन सभी का उत्तर देते हुए मैं आज आपको एक बात कहना चाहूँगी। भगवान को, बुद्ध को लेकर रिचुअल कोई भी नहीं है। कारण, आप भगवान बुद्ध का जीवन काल उठाकर देख लें, इन्होंने सदा सर्वदा इस प्रकार की सभी परंपराओं का विरोध किया है। परमात्मा का दर्शन स्वयं में करें, सत्य का मार्ग अपनाएं, जो सत्य और ईश्वर में विश्वास दोनों को लेकर चलते हैं उन्हें इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका संपूर्ण जीवन काल इसी बात का एक दर्शन है। तो मैं कोई इस तरह की आपको रिचुअल नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन हाँ, मैं मेडिटेशन आपको ज़रूर बताने वाली हूँ। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब भी आपको समय मिले तो इस मेडिटेशन को ज़रूर करें। मैं नहीं कहती कि आपको आपके कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, पर हाँ, मेरा ये भगवान बुद्ध में पूर्ण विश्वास है कि आपके जो भी कर्म हैं जिनकी वजह से आप कष्टमय जीवन में बिता रहे हैं या दुख की स्थिति से गुजर रहे हैं, वो निश्चय ही आपको आहत नहीं करेगा। आप पूरी शक्ति के साथ उस दुख के समय को भी निकाल देंगे, और शायद यही बुद्ध हो जाना भी है। जो हमारा कर्म है उसे पूरे आत्मविश्वास और प्रसन्नता के साथ स्वीकारें और जिएं। तो मेडिटेशन मैं आरंभ करती हूँ, कृपया आप सभी ध्यान दें। ये 2 मिनट में मैं आपको बता रही हूँ, आप इसके लिए इसी चीज़ को आप बहुत लंबे समय भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठ जाइए, और उसके बाद सो हम 8 बार कीजिए। सो हम, 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 सो हम। 1 मिनट के लिए स्वयं को मौन करें, बिल्कुल मौन कर लीजिए, निशब्द हो जाइए। धीरे 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 अपने संपूर्ण ध्यान को खींचकर अपने हृदय में लेकर आइए। ध्यान केंद्रित कीजिए अपने हृदय में, पूर्ण ध्यान केंद्रित कीजिए अपने हृदय में। यहाँ देखिए कि यहाँ भगवान बुद्ध की ऊर्जा स्थापित हो रही है। ये ऊर्जा हल्के चमकीले गुलाबी रंग की है, बहुत सुंदर ऊर्जा है। इस ऊर्जा के बीच भगवान बुद्ध भी हैं। धीरे 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 भगवान बुद्ध की प्रतिमा आपके जो हृदय में स्थापित है, ये विशाल होती जा रही है, विस्तृत होती जा रही है, विस्तृत होती जा रही है, और होती ही जा रही है। और ये संपूर्ण विस्तार के साथ इतनी बड़ी हो चुकी है कि आपका अस्तित्व भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा के हृदय में लीन हो चुका है, लीन हो चुका है, लीन हो चुका है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं
शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ॐ शांति 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 शांति, ओम सर्वत्र शांति, सर्वत्र प्रेम, सर्वत्र स्नेह, ओम शांति। अब गहरी गहरी सांसें लेकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। सोहम के विषय में मैंने एक पहले वीडियो डाला है, आपसे अनुरोध है कि एक बार उसे सुन लें। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि अपने भीतर शांति का अनुभव करें। इसे जितना भी समय ले सकते हैं आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे मैं बोलूँगी मेडिसिन बुद्धा कोर्स के विषय में। मेडिसिन बुद्धा कोर्स एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और एक रेकी सिस्टम है। इसके अंदर आपको सिंबल्स भी सिखाए जाएंगे, सॉरी आपको अट्यूनमेंट भी मिलेगा, मैनुअल भी मिलेगी। मेडिसिन बुद्धा जो है भगवान बुद्ध की वो फॉर्म है जो हमारे उपचार करने के लिए आते हैं। इन्हें हिंदी में चिकित्सकीय बुद्ध भी कहा जाता है। ये कोर्स मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से कराती हूँ, आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि जब मेडिसिन बुद्ध आते हैं तो कोई भी विकार या बीमारी नहीं रहती। इसमें आपको एक मंत्र समझाया जाएगा और मंत्र को अर्थ और प्रयोग के साथ समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। और अगर कोई गलती हो गई है तो क्षमा, आप भी सबसे क्षमा प्रार्थना करें, बहुत अच्छी आदत है। धन्यवाद।